एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यशवा एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। सो आज है आखिरी रोज़ा, आज आखिरी इफ्तार करेंगे हम। और आज ना मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मतलब बहुत जल्दी, लाइक फॉर सम ऑफ यू मैं नहीं इतनी जल्दी उठी, मैं 11 बजे उठी, 11:30 बजे। बट जो लोग मेरी तरह हैं, जो लोग रमज़ान में जिनकी रूटीन सारी, तो वो हो गई है और वो लेट उठते हैं और लेट सोते हैं। तो मैं उठती हूँ 3 बजे तक, मतलब 3 बजे इज़ मैक्स, मैं 2 to 2:30 उठ जाती हूँ। बट मेरे लिए बहुत जल्दी आज, बट यस रूटीन भी तो सही करनी है। अभी आज आखिरी रोज़ है तो आज होगी चांद रात एंड कल है ईद। सो चांद रात के प्लान्स हैं वहाँ भजों के घर। सो आई थॉट टुडे आई एम गोना व्लॉग एंड मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आई एम गोना अपलोड दिस व्लॉग टुडे, जिस दिन ही मैं शूट कर रही हूँ। होपफुली यशवा ये कर सके, वरना यशवा तो बहुत आलस की मारी हुई है। यशवा इज़ वेरी लेज़ी। सो लेट्स गो, अभी हम सैलून जा रहे हैं, कटिंग शटिंग करानी है। मेरे बाल इतने लंबे हो गए, सो लेट्स गो। देखो मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं। तो यशवा के बाल अगर इतू से भी बड़े होते हैं ना, तो यशवा का बस दिल होता है कि फ़ौरन से मैं ना कटिंग करा लूँ और बाल छोटे करा लूँ। मतलब आई हैव ज़ीरो पेशेंस, लिटरली ज़ीरो पेशेंस। तो मेरा लाइक मन नहीं बन रहा था, मैंने सैलून जाना था काफ़ी देर से, तो पेशेंस तो मेरा नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो यशवा ख़ुद काटते हैं कर्टन बैंग्स, तो उनको भी फिक्स कराना है क्योंकि वो भी ऊपर एक ब्लंडर बना हुआ है। यस लेट्स गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चले जाएं आज, वरना क्लाउन लगेंगे हम ईद पे। नो यार, वी आर प्रिटी लेडीज, हम हमेशा प्रिटी लगेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। मैंने कहा जब तक मामा रेडी हो रहे हैं तब तक आपसे बात कर लेते हैं। आई जस्ट हेट हेयर कट्स, मतलब आई एम सो स्केयर्ड ऑफ हेयर कट्स, क्योंकि पास में इतने ब्लंडर्स हो चुके हैं मेरे साथ कि अब मुझे ना यकीन ही ना। एक दफ़ा आई वॉज इन 6th grade, अच्छा तो ना तब बड़ा फैशन था अब कालों का कलर कराने का और ये सब वगैरह ना। तो मैंने कहा चलो मैं भी कराती हूँ। मेरे बाल ना उस टाइम पे बहुत प्यारे थे, लाइक लेजिट बहुत प्यारे थे, और अभी से भी ज़्यादा लंबे थे। तो मैंने पहले इतने बाल कराए, बट आई वाज लाइक नहीं मज़ा नहीं आ रहा, छोटे नहीं हुए अभी, मैंने इतने करा लिए बिल्कुल बॉब कट। और उसके नीचे मैंने क्या कराया, उसके नीचे मैंने कलर करा लिया। बंदा चलो बंदा ने कलर कराया, बंदा कराता है ब्राउन करा लेगा, मेरे ब्लैक बाल हैं, या थोड़ा सा ब्लॉन्ड में चला जाएगा। नहीं, यशवा ने कराए नीचे से रेड, मतलब रेड होते हैं ना ओरिजिनल रेड, ब्लड रेड कलर नीचे से। फल्ला मेरा स्कूल में इतना मजाक बना था, आई वॉज़ फेमस फॉर माई रेड हेयर। और मतलब फिर मैं लाल बालों वाली लड़की थी स्कूल में, फिर आई वॉज़ इन 8th grade। मतलब बंदा चलो कहते ना कि, और बाल तो ऐसे कि बाल तो जल्दी बढ़ते भी नहीं है, तो बालों को तो बंदा छेड़ता भी नहीं है ना, बट दिस लेडी दिस गर्ल हमेशा अपने बालों को तबाह कर देती हूँ। फिर मैंने 8th grade में, नहीं 7th grade में मैंने बैंग्स कराई। हॉरिबल वर्ड होता है वो लग रही थी मुझे बैंग, मतलब मुझे बिल्कुल बैंग सूट नहीं की। मैंने वो करा ली और मेरी बैंग्स भी इतनी खूबसूरत कटी थी ना, यहाँ से और यहाँ से इतने ज़्यादा बाल उन्होंने काट दिए थे। मैंने कहा चलो यार उन्होंने गंदे काटे, मेरे बाल बड़े बड़े मुश्किल से आगे वाले, तो मैंने कहा उन्होंने गंदे काटे, मैं खुद से जब काटूंगी ना अच्छे कटेंगे। मैंने खुद से काटे, उतने ही बुरे लगे। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम महाभजों से कटवाया, और वो हुआ ये कि मैं आई वॉज़ लुकिंग डाउन जब वो मेरे काट रही थी, और जब मैंने सर उठाया ना तो बैंग्स यहाँ यहाँ थिक थी, वो पूरी टोक्यो हेयर कट होता है ना वो हो गया था। बट फिर चल जैसे तैसे करके मैंने पिन से 2-3 महीने गुजारा किया। अब आई नेवर टच माई बैंग्स, अब मैंने कर्टन बैंग्स कराई ना, आई सो कन्फ्यूज कि मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। और अगर मुझे पिक्चर मिली ना मेरी बैंग्स और लाल बालों के साथ, तो मैं इंसर्ट करूँगी यहाँ। सो लेट्स गो, आज कोई ब्लंडर ना मरे, कल ईद है, फिक्स भी नहीं हो सकता। जी आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, ज़्यादा भूख लग रही है मेरी अभी भी। साशु आज इस दफ़ा ईद पे नॉट सो प्रिटी लगेगी, क्योंकि साशु के बाल नहीं है, बट कुछ नहीं होता, गंजे लोग भी तो प्यारे होते हैं। एंड हमारे पास सर साशु, मेरी गुड़िया आंटी बना रही है, वहाँ बना रही है। आप यहीं बैठी रहो, सिट, डोंट मूव। मेरा बेबी मेरी बात सुनता है।
यार गर्मी वाली ईद नहीं चाहिए, फल्ला I'm so done with गर्मी वाली ईद, जिसमें पसीना टपक रहा होता है, पिक्चर भी नहीं ले सकते, फल्ला बहुत ज़्यादा धूप है। और सुबह इतना मज़े का मौसम हुआ था और वो छोटू आ रहा है। छोटू ओए मेरा बच्चा कब आते? अच्छा ये छोटू नहीं है, छोटू का भाई है। सॉरी गाइस अगर मैं ज़्यादा ही ओवर हो जाती हूँ एट टाइम्स। गाइस हम फाइनली निकल गए हैं टुडे, मामा इज ड्राइविंग अस टू द सिनेमा। मम्मा का बड़ा हाथ गंदा चल रहा है, दिखाओ मम्मा, देखो ये मम्मा क्या बिगाड़ती थी। मामा बता दो ना आप, पालक गोश्त, पालक गोश्त कब बिगाड़ी थी? पालक जी देंगे देते नहीं 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 मुझे लास्ट टाइम आया था बट चलो इट्स फाइन। वो दार वाला काम है, वो जो गाइस आई एम रेडी। पता क्या हुआ, मैं आई पार्लर सैलून से, लास्ट क्लिप थी मेरी गाड़ी में, उसके बाद मैं आके मैं नमाज पढ़ी, मैं सो गई, इफ्तारी की है, अब 9 बजे और मैंने अंदर वाले हाथ में मेहंदी भी लगा ली है। सो यस लेट्स गो, एंड फरजीन भी आई हुई है हमारे पास, जायशा भी है, नूशापा भी हैं, सो लेट्स गो चलते हैं। हम मामा जी के घर आ गए हैं। अयोन क्या तुम लोगों के फोटोशूट शुरू हो गए हैं? ये मामा जी ने मुझे अपनी सरपेट बता लो जरा, प्लीज प्लीज मैं होस्ट दिखाऊंगी ना प्लीज। गाइस बड़ा क्यूट सा सेटअप हुआ है, वेरी नाइस। हमारी ब्यूटीफुल सी होस्ट आज चांद रात के, आप क्यों मतलब कंप्लीट करें, कहा तो हो गया डिजाइनर। अपनी मेहंदी दिखाओ, निशा का फिर की मेहंदी देखो जी। आ जाए आ जाए जी, बहुत जल्दी आ गई, 1 बजे आ गई हैं आप मेहंदी लगाने। हाँ अच्छा तो इतनी काली क्यों लग रही है? हाथ दिखाएं, I don't believe मैंने ये हाथ प्लीज महामा जी ने लगाया। मैं ब्यूटीफुल मेहंदी मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई। अच्छा हाँ ये महामा जी ने लगाई है, बता रही हूँ, मुझे मौका तो दो आप। चलो बस आप कटो यहाँ से। ओके गाइस सो इट्स करंटली 3 o'clock और मेरी मेहंदी फिर भी नहीं लगी दोनों हाथ पे, बट कुछ नहीं होता, सबको मेहंदी लगा दी है। एंड चांद रात का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। इफ यू गाइस एंजॉयड माय व्लॉग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ईद व्लॉग। आज तो मैं अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज लेट ही इतना फारिग हुआ है, तो कल सुबह सुबह हम ये चांद रात का व्लॉग पोस्ट कर देंगे। यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय।